हाँ जी स्थिर ऐसे कहते हैं राजधानी स्थिर हो गई। कोई राजधानी राजा की राजधानी है उसमें पहले बहुत हलचल थी अभी स्थिर हो गई माने हिलना डुलना बंद हो गया। तो स्थित माने स्थिरियम हो जाए प्रज्ञ प्रा माने प्रकष्ठ रूपेण कोई कितना भी हिलाए जैसे साक्षात रावण आ जाए लेकिन अंगद का पांव बुद्ध रूपी हिलाए न सके निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बनाए न सके ऐसा ज्ञा माने ज्ञानवान। कैसा ज्ञानवान ज्ञा माने ज्ञानवान कैसा ज्ञानवान प्रज्ञ प्रकष्ठ रूपेण ज्ञानवान। माया का बड़े ते बड़ा तूफान आ जाए बड़ा सा भूकंप आ जाए ये मकान यूं अभी डोलने लगे और घबराहट में ना आए क्या क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। ज्ञान माने कैसा ज्ञानी ऐसा प्रकष्ठ रूप से ज्ञानी कि उसकी बुद्धि हिले नहीं स्थिरियम रहे कि हमारा रक्षक बाप है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रमाणिक प्रकृष्ट रूप में ज्ञान माने ज्ञान प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। जितनी शरीर में इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में इंद्रियां तो जड़ हैं उनमें ज्ञान तो नहीं है। ज्ञान किस में है मन बुद्धि में ही ज्ञान है। मन में भी ज्ञान नहीं है मन तो बहुत चंचल हो जाता है। मन रूपी ब्रह्मा में भी ज्ञान नहीं है तो बहुत चंचलता करता है। बुद्धि की लगाम मन के घोड़ों को कंट्रोल करने वाली है उसका नाम प्रज्ञा रखा गया है। प्रकष्ठ रूपेण से जो ज्ञानवान बन सकती है वो है बुद्धि। और बाबा जब पूर्णमासी होती है तो समुद्र में जो टाइड्स होती हैं बहुत ऊंची ऊंची उछाले मारती हैं और उसी के साथ साथ जो थोड़े मानसिक असंतुलन जिनका होता है वो भी ज़्यादा उनमें देखा जाता है तो ऐसा क्यों होता है वो भी मानसिक असंतुलन थोड़ा और ज़्यादा उनका। जिनका मानसिक असंतुलन होता है वो परफेक्ट आत्मा है या इम्परफेक्ट आत्मा है लेकिन ऐसा तो दुनिया में भी जितने भी विधर्मी आत्माएं हैं जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण बनेगी तो दुनिया में होलडाल आने लगेगा भयंकर विनाश शुरू होगा और उनकी बुद्धि चलायमान हो जाएगी उनको तो रास्ता ही नहीं मिलेगा।
और जो स्थित प्रज्ञ होंगे वो तो जानते हैं कि ऐसा अब होना है। अभी राजधानी स्थापन हो चुकी, स्थिर हो गई, अब तो दुनिया का विनाश होना ही होना है। जो डिफेक्टेड आत्माएं हैं माने झूठी हैं, सच्ची आत्माएं नहीं हैं, विनाशी हैं। ऐसे आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, लेकिन कम जन्म और ज़्यादा जन्म तो होते हैं। तो जिनके पूरे 84 जन्म होते हैं वो कहेंगे संपूर्ण आत्मा, और जिनके पूरे 84 जन्म नहीं होते हैं उनको कहते हैं खंडित आत्मा। जो ड्रामा का 5000 वर्ष का चक्र है उसका पूरा अनुभव एक्सपीरियंस उनके अंदर नहीं है तो कहेंगे खंडित आत्मा। तो जो अधूरी आत्माएं हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान की रोशनी लेने वाली हैं, संपूर्ण ज्ञानी तो आत्मा नहीं बनती है। तो जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो वो डिफेक्टेड बुद्धि सारे बिखर के सामने आ जाते हैं दुनिया के सामने। अभी तो ये विधर्मी अपने को ऊंचा साबित करते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम सभ्य हैं। फिर इनकी जो सच्चाई है वो सारी दुनिया के सामने खुल जाएगी जब चंद्रमा संपूर्ण होगा। उसे कहते हैं पूर्णमासी का चंद्रमा। चंद्रमा में दाग नहीं है, चंद्रमा जब आज से 2500 साल पहले विनाश हुआ था, आधा विनाश हुआ था सृष्टि का, तो प्रशांत महासागर का बड़ा हिस्सा टूट करके अलग हुआ। प्रशांत महासागर बड़ा गहरा गड्ढा है ना, उसमें अगाध जल भरा हुआ है। प्रशांत महासागर दुनिया के जितने भी सागर हैं उन सब सागरों में सबसे बड़ा सागर है, तो गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया होगा। तो जब वो हिस्सा टूट के अलग हुआ तो उसका सारा जल जितना भी था गहरे गहरे गड्ढों में पृथ्वी में भरा हुआ था, वो सारा जल खींच करके कहाँ जाएगा? पृथ्वी खींचती है ना, पृथ्वी तो बहुत भारी है, तो सारा जल खींच करके पृथ्वी पर आ गया। क्या वो जल सारा पृथ्वी पर आ गया और जो चंद्रमा का हिस्सा वो मिट्टी का हिस्सा गड्ढों वाला गहरे गहरे गड्ढे वो अलग हो गया। तो वो गड्ढे हैं क्या जो दाग के रूप में दिखाई दे रहे हैं? वो गड्ढे तो स्थूल हैं और चंद्रमा भी स्थूल है, लेकिन चैतन्य चंद्रमा कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा। वारी बटिया ब्रह्मा बाबा में उनके जो पुरुषार्थ में ज्ञान न समझ पाने के कारण बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, वो दाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। क्या दाग लग गया? इसलिए ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की संसार में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, क्योंकि गहरे गहरे दाग लगे हुए हैं। सबसे बड़ा दाग कौन सा है? सबसे बड़ा दाग है एहसान फरामोशी का।
कोई कहेगा क्या बोलते, चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से। और सूर्य जिससे रोशनी मिलती है उसको चंद्रमा ना कर दे, मेरी रोशनी है, मैं हूँ गीता का भगवान। मैं हूँ ज्ञान सूर्य। तो ये एहसान मंद होना हुआ, यह एहसान फरामोशी हुई। और फिर उस एहसान फरामोशी की याद भगवान खुद मुरलियों में दिलाता भी है। बच्चे तुम जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखा हुआ है, ये रंग है, इससे पहले प्रजापिता शब्द ऐड करो। क्या ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं है? बड़ी अम्मा कुमारी के बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे बाप के होते हैं। बीजारोपण करने वाला बाप होता है या अम्मा खुद पैदा कर लेती है? बाप होता है। ये खराब बात है, कोई बच्चे अपने माँ का नाम बताएं और बाप का नाम बताएं नहीं, गुम कर दें या कहें हमें मालूम ही नहीं, तो दुनिया में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से पहले प्रजापिता शब्द जरूर ऐड करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के होते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रह्मा, सेकंड क्लास ब्रह्मा, थर्ड क्लास ब्रह्मा, फोर्थ क्लास ब्रह्मा, फोर्थ क्लास से भी ऊपर वाला ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम बहुतों के हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही होता है। वो प्रजापिता का नाम इसमें डालना जरूरी है, नहीं तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम लिखना बेकार हो गया। क्योंकि ईश्वर प्रजापिता के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। ईश्वर मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, प्रजापिता ही मुकर्रर रथ है। ब्रह्मा तो टेम्परेरी है। क्या दो रथ की बात मुरली बताई ना, टेम्परेरी रथ और मुकर्रर। मुकर्रर रथ आदि से अंत तक रहेगा, और टेम्परेरी कभी होगा कभी नहीं होगा, अंत तक तो रहेगा नहीं। तो ब्रह्मा का रथ, दादा लेखराज का भी रथ एकदम आदि में नहीं था, था नहीं था। अगर एकदम आदि में होता ईश्वर का रथ, क्योंकि भगवान बाप जिसमें भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो अगर सिंध हैदराबाद में जब उनको साक्षात्कार हुए उसी समय प्रवेश किया सन 36 में, तो उनको इधर उधर भटकने की दरकार नहीं थी, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानता है, उसे किसी से पूछने की दरकार नहीं है। वो तो ज्ञान का बीज बोने वाला पिता है, अहम बीज प्रदा पिता, उसका बाप कोई भी होता नहीं। प्रजापिता का बाप हो सकता है, ब्रह्मा का बाप हो सकता है, लेकिन गॉड फादर का बाप कोई नहीं होता। तो ऐसे नहीं है कि सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा में सबसे पहले गॉड फादर ने प्रवेश कर लिया, नहीं, उनको साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान ने प्रवेश कर लिया, साक्षात्कार होना अलग बात और प्रवेश होना अलग बात। साक्षात्कार तो बहुत से भक्तों को भक्ति मार्ग में होते रहे, तो क्या भगवान घड़ी घड़ी प्रवेश करता रहे उनमें? नहीं, भगवान तो आता ही तब है जब नरक की दुनिया खलास होनी है और नई दुनिया तैयार होनी है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा में भी परमात्मा शिव ने नहीं प्रवेश किया था जब उनको साक्षात्कार हुए, उनमें तो प्रवेश
बहुत बाद में हुआ है। उनका नाम जो ब्रह्मा पड़ा है वो बाद का नाम ब्रह्मा है। क्या उनसे भी पहले तीन और ब्रह्मा हो चुके हैं? क्या तीन और भी ब्रह्मा हो चुके हैं? कौन कौन? वो अपने गुरु से पूछा, साक्षात्कारों का रहस्य तो नहीं बता सके। अपने जन्म के और भी जो गुरु बारे थे उनसे भी पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। वाराणसी में जाकर के विद्वान आचार्यों से पूछा, उनसे भी उनको कोई समाधान नहीं मिला। तब उनकी बुद्धि ठनकी कि हमारे जीवन के अनुभव के आधार पर हमारा जो भागीदार है दुकान का, वो जितना होशियार है लौकिक और अलौकिक और पारलौकिक बातों में, उतना हमने किसी को होशियार नहीं पाया, जिसको उन्होंने सारी दुकान सौंपी हुई थी। 10 साल से उनकी दुकान में नौकर था। क्या 10 साल से उनकी दुकान में नौकर था, बाद में मैनेजर बना दिया, फिर भी नौकर ही रहा ना। कोई मालिक का दुकान का नौकर हो, कारखाने का मैनेजर हो, तो नौकर नहीं है तो क्या है? नौकर ही था ना। उसकी बुद्धि की तीक्ष्णता और उसकी सच्चाई बाबा की बुद्धि में बैठी हुई थी, होशियारी बुद्धि में बैठी हुई थी। बाबा उतने रत्नों के पारखी नहीं थे जितना वो रत्नों का पारखी था। बाबा वहीं कलकत्ते में अपनी गद्दी में चले गए दुकान पर, और वहाँ से उनको समाधान उस व्यक्ति से मिल गया। शिव ने प्रवेश किया, शिव ने प्रवेश करके बताया। षष्ठी की जब शुरुआत भगवान आकर के करता है तो अकेले करता है या प्रवृत्ति चाहिए? प्रवृत्ति चाहिए। तो दो आत्माएं थीं जिनमें साथ ही साथ प्रवेश किया, एक यज्ञ माता और दूसरे यज्ञ पिता। जो माता थी उसमें सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने के लिए परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, और उस माता ने ब्रह्मा बाबा से साक्षात्कार जो सुने थे वो प्रजापिता को सुनाए। प्रजापिता ने जब सुने तो उसमें भी तो शिव ने प्रवेश किया। एक में प्रवेश किया या दो में? दो में प्रवेश किया, क्यों? भगवान आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन डालते हैं। एक में भक्ति का फाउंडेशन और दूसरे में ज्ञान का फाउंडेशन। ज्ञान का बीजारोपण करने के लिए जिस पिता में पुरुषतन में प्रवेश किया वो ही प्रजापिता हुआ। उस प्रजापिता के द्वारा उस माता को उनके साक्षात्कारों का सारा रहस्य खोल दिया। माता ने सुना, भले पहले माता ने सुनाया, सुनाया तो पहला ब्रह्मा कौन हुआ? ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? मुरली में बोला प्रजापिता तब कहे, कब कहे, कब साबित हो? जब पहला ब्राह्मण साबित हो। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, पहला शूद्र। तो पहला ब्राह्मण वो तब ही बना जबकि उसने किसी ब्रह्मा के मुख से सुना, पैदा हुआ। ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मण पैदा होता है, भले वो
कोई भी कैटेगरी का ब्राह्मण हो, लेकिन सच्चा ब्राह्मण जो भी होगा वो ब्राह्मण तब कहा जाएगा जबकि वो ब्रह्मा के मुख से सुने। तो ब्रह्मा के मुख से सुना साक्षात्कारों को, और शिव ने प्रवेश करके सुनने के साथ साथ कोई समझ सकता है कि नहीं? समझ सकता है, सुनता भी गया और समझता भी गया और फिर मुख से समझा दिया। समझने में वहां दो प्रकार की बच्चियां थी, एक बच्ची ने सिर्फ सुना और सुन करके फटाफट ब्रह्मा बाबा को कान में फूंक दिया। कोई कोई ऐसे होते ना जो को सुनते हैं और बड़ी जल्दी आती है दूसरों को सुना, फटाक से दूसरों को सुनाने लग पड़ते हैं, माने सुनने और सुनाने में बड़े तीखे होते हैं। तो एक माता ने, तो जिसने सुनाया उसने सुना और ब्रह्मा बाबा के कान में फूंक दिया। अब ब्रह्मा बाबा तो कुछ अनुभवी है कि नहीं है, है? अपनी जिंदगी के ब्रह्मा बाबा कुछ अनुभवी थे या नहीं थे? बिल्कुल अनुभवी नहीं थे, है? चलो इतनी अकल ज्ञान समझने की नहीं थी, लेकिन लौकिक जिंदगी जीने की तो अकल थी। अगर इतनी अकल नहीं होती तो इतने बड़े व्यापारी कैसे बन जाते, प्रजापिता ना बन जाता? माने लौकिक दुनिया के हिसाब से प्रजापिता फेल हो गया, वो तो गरीब था, उसकी भी हीरों की दुकान थी लेकिन वो चलती नहीं थी। तो व्यापार में सिद्धस्त दुनिया के हिसाब से होशियार कहा जाएगा, बुद्धू दुनिया के हिसाब से बुद्धू, और ब्रह्मा बाबा दुनिया के हिसाब से बहुत होशियार। तो कहां ब्रह्मा बाबा भी पीठ पे अनाज लाद करके आठ आने मन बेचते थे, क्या मुरली में ये बात आई है? 2 रुपया मन बेचते थे, जैसे किसी के पास कोई साइकिल भी ना हो, पीठ पे लाद लाद करके गली में ले अनाज। ऐसे छोटा सा व्यापारी और कितना बड़ा व्यापारी हो गया, इतना बड़ा हीरों का व्यापारी हो गया कि आज भारतवर्ष के बड़े बड़े शहरों में जो हीरों की और सोने चांदी की दुकानें रखी हुई हैं उन पे उन्होंने लिख रखा है दादा लकीराज की पुरानी दुकान, सब ने लिख दिया। तो देखो कितनी प्रसिद्धि हो गई। तो ब्रह्मा बाबा भी होशियार तो थे ना दुनिया के हिसाब से। तो जो इतना होशियार आदमी हो वो व्यक्ति को परखेगा या नहीं परखेगा, है? परखता जरूर है, क्योंकि 12 गुरु किए थे और 12 गुरु पहले न परखे तो गुरु बना लिए, और परखे तो गुरु बनाने की तो उनकी आदत थी, क्या गुरु बनाने की उनकी आदत थी, प्रभावित होना उनका स्वभाव था। जो भी आया नई बात बताई सुनाई सत्य वचन महाराज, और गुरु बना लिया, खुश हो गए प्रसन्न हो गए। तो ऐसे ही उस माता, जिस माता ने पहले सुना ना, उसी माता ने ब्रह्मा बाबा को सारा सुना दिया। तो लाजमी है ब्रह्मा बाबा तो बहुत खुश हो गए, उसे खुश हो गए। तो खुश होंगे तो गुरु बनाएंगे, ब्राह्मणों की दुनिया का गुरु हो गया ना। माता गुरु बगैर उद्धार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण जीवन में उनका उद्धार तो होना ही था, जितना जो कुछ भी होना था वो हुआ। जिस कोटि को उन्हें पहुंचना था वो शिव की 3 मूर्तियों में नीची मूर्ति की कोटि पर पहुंचने थे, सो पहुंच गए। उन्होंने बात मानी लेकिन समझी नहीं, क्यों? ब्रह्मा बाबा तो सुनने वाले थे या समझने वाले थे, और वो माता भी सुनने सुनाने वाली थी या समझने और समझाने वाली थी? सुनने सुनाने वाली थी। तो ब्रह्मा के अंदर भी फाउंडेशन पड़ गया उस समय, सन 36 से लेकर के और सन 46 तक ये फाउंडेशन रहा।
और ब्रह्मा बाबा उस माता को ही सर्वे सर्वा मानते रहे यज्ञगण क्या। लेकिन एक दूसरी माता और भी थी, उस माता ने सुना भी और सुनकर के दूसरों को नहीं सुनाया, अंदर अंदर समझने की कोशिश की। और जब समझा तो ब्रह्मा बाबा को बताया, ब्रह्मा की बुद्धि में उस समय बैठ गया कि मैं ही कृष्ण की आत्मा हूं। तो ये मैं ही कृष्ण की आत्मा हूं ये बात बुद्धि में जिसने बैठाई यहां संगम युग में, वो ही आत्मा वहां जन्म देने के निमित्त बनेगी। तो यज्ञ के आदि में वो व्यक्तित्व जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा ने सारा समझा वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठा। क्यों? कोई कारण होगा, क्यों नहीं उसका एहसान माना? बुद्धि में शुरू से बैठा ही मौका रहता है। हाँ, जिंदगी में उन्होंने देखा नहीं, ये तो नीचे तबके का आदमी है, छोटा आदमी है, हमारी दुकान का तो नौकर रहा। मैं सत्संग करने के लिए चल पड़ा तो इसको दुकान सौंप दी होशियार समझ करके। तो नौकर की वृत्ति रही इसलिए उसको निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन फिर पूछने क्यों गया? नौकर की वृत्ति थी दिमाग में, तो फिर पूछने क्यों गया हमसे? ये तो जान लिया, दुकान क्यों सौंप दी इतनी बड़ी? कोई हिसाब किताब नहीं लिया, दुकान क्यों सौंप दी? कारण क्या? कोई तो आधार होगा जिसके आधार पर लाखों करोड़ों की दुकान सौंप दी। क्या बात थी? वो अंदर से समझते थे, दुनिया के हिसाब से तो फेल हो गया, ये भी समझते थे। क्यों फेल हो गया? क्योंकि ये झूठों की दुनिया है, झूठ की दुनिया में झूठा चलता है। ब्रह्मा बाबा बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के रनिवास में घुस जाते थे, वो सुरमा पहन के, सिंधी तो खूब सुरमा पहनते हैं। तो ये होशियारी थी ना उनकी, वो भागीदार तो बेचारा ये सब फटाक्रम नहीं जानता था, न करना चाहता था, वो सच्चा था। तो आज की दुनिया में सच्चा जो व्यक्ति होगा वो कभी भी करोड़पति धंधे से नहीं बनेगा, बिना चालाकी किए। तो ब्रह्मा बाबा इस बात को अंदर समझते थे, ये सच्चा आदमी है क्या, इसलिए उसको दुकान बिना हिसाब किताब किए सौंप दी। लेकिन ये भावना नहीं बैठी कि भगवान ही मेरे साक्षात्कारों का अर्थ बता सकता है, इसमें भगवान प्रवेश था। ये उन गुरुओं के मुकाबले बड़ा गुरु है जिन्होंने मेरी बातों का अर्थ नहीं बताया, वो माता को गुरु बना लिया। यज्ञ में उस समय माता का बहुत मान था, माता में और प्रजापिता में यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हो गया, दो ग्रुप हो गए, एक ओम मंडली एक एंटी ओम मंडली। आदि में भी धोबी घाट चलता था, मुरली बोला आदि से ही ये धोबी घाट चलता चला आया है और अंत तक चलता रहेगा। जब तक कपड़े साफ नहीं हुए हैं, शरीर रूपी वस्त्र जब तक नहीं साफ हुए हैं, आत्मा जब तक साफ नहीं हुई है, तब तक ये चलता रहेगा। तो आदि में भी धोबी घाट चलता था, और धोबी घाट का कोई धोबी होगा कि नहीं होगा? कोई वाशरमैन भी था, वो वाशरमैन धोबी और धोबनिया में लड़ाई हो गई, धोबनिया हो गई ब्रह्मा बाबा की तरफ और धोबी अलग हो गया। जिन्होंने पहचाना उस धोबी को
वो धोबी के साथ गए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो धोबी का विरोध करने लग पड़े। वो ब्रह्मा के फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमार कुमारी आज भी उस धोबी को नहीं पहचान रहे, तो विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध करने का पॉइंट सबसे बड़ा कौन सा है मालूम है? किस बात पे विरोध कर रहे हैं? हैं? वो एक ही बात, और कुछ नहीं है उनके पास, एक ही ग्लानी सुनाएंगे। अरे वो तो व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, अनाचारी है, बलात्कारी है, ये है, वो है, वो ऐसा है, ज्ञान सारा अच्छा है। अरे ये कोई बात हुई? सारा ज्ञान अच्छा होगा, मूल्यों के अनुकूल होगा, तो भगवान का ही ज्ञान होगा कि दूसरे का ज्ञान होगा? तो जो आदि में लड़ाई थी वो ही लड़ाई अभी भी है। ब्रह्मा बाबा उस समय भी इस रहस्य को नहीं जान सके, और मरते दम तक भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि बच्चों को कहें कि तुम अपने नाम के आगे बी के मत लिखो, ब्रह्मा कुमार मत लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। इसका मतलब ब्रह्मा की बुद्धि में अंत तक भी बैठा ही नहीं। तो एहसान फरामोश कहें कि नहीं कहें? क्या शब्द आया? तीन पात ढाक के तीन पात। हाँ, जो डंडी निकलती है ढाक में उसमें तीन ही पत्ते होते हैं, जैसे बेल पत्र होता है ना, तो बेल पत्र में भी जो डंडी निकलती है वह चार पत्ते दो पत्ते नहीं होंगे, तीन ही पत्ते होंगे। और प्रश्न क्या था, किसने किया, जवाब मिला कि नहीं? तीन बात नहीं। हाँ, उस बच्ची ने प्रश्न किया था, तो भाग गई। चंद्रमा में दाग क्यों है? दाग नहीं है, वो वास्तव में गड्ढे हैं। जिन गड्ढों में गिर करके उसका कोई गिर जाए तो पता भी ना चले कहाँ चला गया, उनकी गहराइयों का कोई पता नहीं लगा सकता, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं। अच्छा, किसी ने पंपिंग की थी? इसलिए भक्ति मार्ग में एक कहावत आती है, चौथ का चंद्रमा। क्या? चौथ का चंद्रमा, चंद्रमा ने चौथ खाई है। क्या बाबा भी कहते हैं कि ये जो मैंने रथ लिया है ना, ये लोन लिया है। क्या? जो लोन लिया है उसका मैं किराया भरता हूँ, मुफ्त का नहीं लिया है। बीच में ये चौथ खाता है, क्या समझता कुछ भी नहीं है, ईश्वर की वाणी को समझा कुछ भी नहीं, बिना समझे ही चौथ ले ली। क्या चौथ ले ली? कि हमें ये पद देना पड़ेगा। क्या पद देना पड़ेगा? कि मैं नई दुनिया में जाके प्रिंस बनूंगा। जब समझा ही नहीं तो पुरुषार्थ भी ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार नहीं हुआ। समझ में कब आए? हैं? समझ में उनको कब आए? अभी भी तो समझ रहा है। अभी कृष्ण की आत्मा समझ नहीं रही है? नहीं समझ रही है? अरे कृष्ण की आत्मा अभी पढ़ाई नहीं पढ़ रही है? जैसे और बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ाई पढ़ रही है, उसी के लिए तो सारी पढ़ाई हो रही है। हाँ, ब्रह्मा बाबा भोला भाला बच्चा है कि नहीं शिव बाबा का?
हैं। बच्चा बुद्धि जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में सबसे भोला बच्चा है या नहीं? भोला बच्चा है। और महात्मा की भी कोई बुराई देखे तो अच्छी बात है, है? नहीं। ये बाप जो है वो तो उस बच्चे की भी बुराइयां देख लेता है, तो बाप है, है? उसने तो नंगा भी बच्चे को खिलाया है, वो तो सारा अंदर बाहर जानता है। लेकिन जो और बच्चे हैं उनके लिए तो बता दिया ना कि तुमको फॉलो करना है, तो किसको फॉलो करना है? फिर भी ब्रह्मा को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ऐसा कोई कर्म दिखावे में उस ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुआ जो तुम कोई नुक्स ढूंढ सको। ये तो बाप है, बाप जानता है किस बच्चे में क्या नुक्स है, क्या? इसलिए जो आपने बात कही चौथ का चंद्रमा, वो चौथ खाई है उसने, वो अभी भी चौथ खा रहा है। पहले तो सूक्ष्म शरीर नहीं था, स्थूल शरीर था, अभी तो सूक्ष्म शरीर और ज्यादा पावरफुल हो गया। पहले तो 300-400 और अभी तो संख्या कितनी बढ़ने वाली है, कृष्ण के नाम के पीछे दीवाने होने वालों की 16,000 तक संख्या बढ़ेगी और सारी ही दीवानी हो जाती है। और वेद की ऋचा में भी एक वाक्य आया है, रावण और ब्रह्मा, एक वेद की ऋचा में ये वाक्य आया है। ब्रह्मा कौन है? रावण है। तो देखा जाए ब्रह्मा बाबा समझते तो कुछ नहीं थे, ज्ञान को उन्होंने समझा नहीं, सुना तो खूब, सबसे पहले उन्हीं के कान सुनते थे, समझते नहीं थे। फिर ये 300-400 जो कन्याएं माताएं भाई लोग, इनको क्यों पाला? पाल करके सिंध हैदराबाद से अपने घर से ला करके और भारत में पटक दिया, और भारत में वो 300-400 जो कपड़े थे वो अपना काम करने लगे, शरीर रूपी वस्त्र। उन कपड़ों का वजन ढोने वाला धोबी का कौन लगता है? किस लिए धोए? ढोने का मतलब क्या हुआ? कुछ प्राप्ति हुई? अरे कृष्ण बन गया क्या? बना? नहीं बना। तो कपड़े ढोने का ही काम किया ना, कि कोई दूसरा काम किया? क्या काम किया? पाकिस्तान में कपड़े नहीं धुलते, विदेशों में कपड़े नहीं धुलते, ये धोबी घाट कहाँ बनता है? भारत में ही बनता है। कोई विदेश में ये धोबी घाट नहीं बनता, कोई विदेश में भगवान नहीं आता पतितों को पावन बनाने के लिए, भारत में ही भगवान आता है। मन बुद्धि को भी पावन बनाता है, दृष्टि वृत्ति को भी पावन बनाता है, इंद्रियों को भी पावन बनाता है, सारे शरीर के 5 तत्वों को भी पावन बनाता है। और पावन कैसे बनते हैं और पतित कैसे बनते हैं? संग के ही रंग से पावन बनते हैं और द्वापर युग से विदेशियों के संग के रंग से ही पतित बने। सीधा सा हिसाब है, एक के संग के रंग से पावन बनते हैं
और अनेकों के संग के रंग से विभिचारी और पतित बनते हैं। प्रश्न किसने किया? क्या प्रश्न किया है? देखने से शुभ मानते हैं भक्ति मार्ग, दूध की चंद्रमा को देखने से शुभ मानते हैं, असुर देखने से शुभ मानते हैं। नहीं, चौथ के चंद्रमा को देखने से शुभ नहीं मानते, दूध के चंद्रमा, दूध का चंद्रमा, दूध का चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जो है उसमें रोशनी आना शुरू होती है, जब चंद्रमा घटना शुरू होता है तो खराब मानते हैं, जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है तो अच्छा मानते हैं। मुसलमान लोग भी अच्छा मानते हैं, क्या? जब उन्हें दूज का चांद दिखाई पड़ेगा तो ईद मनाएंगे, अगर दूध का चांद दिखाई नहीं पड़ेगा तो उस जगह ईद नहीं मनाई जाएगी। अरब देश में दूसरी तारीख को दिखाई पड़ता है, हिंदुस्तान में दूसरी तारीख को दिखाई पड़ता है, लेकिन जब दिखाई पड़ेगा तब मनाएंगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो नहीं मनाएंगे। बाबा, जैसे और लोग के समझाए से कि भगवान आए हैं गीता पाठशाला में चलो वहाँ पर, तो लोग कहते हैं कहाँ हैं भगवान, कैसे आए हैं, कहाँ पर हैं, उनको क्या समझाओ? तो उनसे ये समझाओ कि भगवान इन आँखों से देखने में पकड़ने में आता है, इन आँखों से देखोगे या भगवान को देखने के लिए तीसरी आँख चाहिए ज्ञान की, इतना नहीं समझा सकते। अरे पहले ज्ञान की, भगवान ने जो ज्ञान की आँख दी है वो ज्ञान की आँख तो ले लो, वो तीसरा नेत्र खुलेगा तभी तो भगवान को पहचानेंगे। इन आँखों से कैसे पहचान लेंगे? हम कह रहे हैं ये भगवान बैठा है, ये ब्रह्मा बाबा सफ़ेद दाढ़ी मूछ वाला बैठा है, इसमें भगवान आते हैं, कोई मान लेगा? किसी ने माना दुनिया में? नहीं माना। जो बच्चा बुद्धि है उन्होंने तो मान लिया, जो सालिम बुद्धि है आज की दुनिया के बुद्धिमानों की बुद्धि, बड़े बड़े वैज्ञानिक बुद्धिमान लोग हैं, वो ये कहने से मान जाएंगे ब्रह्मा में भगवान आता था? मानेंगे? अरे कोई प्रूफ है? वो कहें क्या प्रूफ है ब्रह्मा में भगवान आता था, इतने लोग बैठे हैं, कोई प्रूफ हो तो बताओ, बताओ भाई किस आधार पर मान लिया कि ब्रह्मा में भगवान आता था? अरे किसी के पास कोई प्रूफ है या नहीं है? क्या बोलते थे? अच्छा, वो सारे गुरु आचार्य सभी बोलते हैं, स्वयं ही बोलते हैं। तुमने मुरली नाम दे दिया है, सारे गुरु जो सुनाते हैं वो भी कहते हैं मेरे, मैं कृष्ण हूँ, शिवो हम, मैं शिव हूँ, मैं जो सुनाता हूँ सो कृष्ण की वाणी है, भगवान की वाणी है। गीता का ज्ञान जितना हम अच्छा दे सकते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकते, मैं ही सदगुरु हूँ, ये कोई प्रूफ हुआ? नहीं, वो जो पॉइंट बताते थे और कोई नहीं बता सकता, वही ज्ञान जो जो ज्ञान के आधार पे जो एक्सप्लेनेशन, जितने भी गुरुओं के फॉलोअर हैं वो यही पकड़े बैठे हैं कि हमारा गुरु जो ज्ञान सुनाता है वो सबसे अच्छा, वो ब्रह्मा कुमारियों का गुरु ज्ञान नहीं सुनाता है, तब क्या करें? ब्रह्मा कुमारों के पास कोई प्रूफ नहीं है पक्का कि दादा लेखराज ब्रह्मा में भगवान आते थे, और यहां एडवांस में तो ढेर के ढेर प्रूफ है, जिनसे ये साबित होता है कि भगवान का पार्ट वो ही व्यक्तित्व हो सकता है, दूसरा व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। हैं?
ये शरीर वृक्ष है और आत्मा बीज है। जब बीज बार बार बोया जाता है तो कमजोर होता जाता है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा बार बार जन्म लेती है तो कलाएं कम होंगी या नहीं होंगी? कलाएं कम होती जाती हैं, शक्ति क्षीण होती जाती है, आत्मा की रोशनी खत्म। अरे वो देवताओं के मूर्तियां देखो, कितने सुंदर चेहरे, कितनी सुंदर आंख दिखाई जाती है। वो आंखों की रोशनी हमारी कहाँ से, हमारी आंखें अंदर क्यों घुसी चली जा रही? चेहरा सूख के चुपट्टी क्यों होता जा रहा है? दुनिया में इतना लोग दुखी हैं, हाय हाय करते हैं, कहते हैं कब विनाश होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म हो जाएंगे, इतने दुखी हैं कब खत्म होगा। तो बहुत दुखी हैं लोग, कहते हैं कब भगवान ले जाए, दुनिया के खत्म हो जाए, दुख से छूट जाए, छुटकारा मिल जाए। बहुत से सुखी भी तो है, बहुत लोग अपना दुख देखते हैं लोग, दुनिया के जो लोग सुखी हैं वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि जो दुखी हैं वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं? अपनी बात का, जो लोग सुखी हैं, बहुत धन संपत्ति वाले हैं, बहुत पावर वाले हैं, बड़ी सत्ता वाले हैं, बड़ी मान्यता वाले हैं, वो ज़्यादा है दुनिया में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या जो दुखी हैं वो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेंगे? आप जवाब तो दो। पैसा वाले आप अपनी बात कहीं चले जाएं, आप दूसरे की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। वो तो रो रहे हैं। हम जो बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो कि जो धनवान आदमी है, जो सुखी लोग हैं, बड़ी सत्ता वाले लोग हैं, बड़ी धन संपत्ति वाले, मान मर्तबा वाले लोग हैं, वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट अच्छा करते हैं, उनकी बोली हुई बात का लोगों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है कि दुखी आदमियों की आवाज़ का ज़्यादा असर पड़ता है? ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं? हैं? इन्हें है तो बोलने दो, हैं? जिसके संपत्ति है वही वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर लेता है। तो ऐसे ही है दुनिया में जो सुखी हैं वो क्रिश्चियंस सबसे ज़्यादा सुखी हैं, और दुनिया में क्रिश्चियंस ही मनुष्यों की ऐसी जनरेशन है जो बहुत दिखावा कर सकती है। उनका एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त होता है। जैसे आज की दुनिया में कोई दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दवाई बिल्कुल नकामी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इतना जबरदस्त होता है कि सब खरीदना शुरू कर देते हैं, सब मान लेते हैं। हाँ, सच्ची बात। तो ऐसे ही है दुनिया में जो दुखी लोग हैं वो कहते हैं ये दुनिया में बहुत दुख है, अपरम अपार दुख है, दुनिया नरक नहीं, रौरव नरक है। लेकिन जो सुखी है वो क्या कहते हैं? अरे दुनिया में नरक नहीं है, इसी दुनिया में स्वर्ग है, भोगो। तो गरीबों को कोई सुनता ही नहीं, आवाज ही धीमी पड़ गई। होता क्या है, रईस रईस होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, आएगी या नहीं आएगी? कैसी स्थिति कि जो बड़े बड़े रईस हैं वो भी मुख से कहने लगेंगे क्या कि इस दुनिया में बड़े दुख हैं। ये नेचुरल कैलमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं या घटती जा रही हैं? बढ़ते 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 ऐसी हालात हो जाएगी कि दुनिया की जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले मल्टी मिलियनेयर्स वाले देश हैं वो भूकंप से सारे गिरेंगे, शहर शहर में एटम बम फटेंगे और पृथ्वी का बैलेंस टूटेगा, बिगड़ेगा, और शहर शहर में भूकंप आने से लोग दुखी हो जाएंगे। तब वो भी कहेंगे अपरम अपार दुखों की दुनिया है। अभी नहीं कह रहे हैं, अभी अभी गरीबों की आवाज़ नहीं सुनने में आ रही है।
और इसलिए बाबा कहते हैं धीरज धर मनुआ, धीरज धर। माया के कारण कोई नहीं कह सकता कि हमारा लड़का खत्म हो जाए, हम खत्म हो जाए, हम। अरे लड़का पुड़का तो हमेशा खत्म होते रहे। तो माया लगे रहना चाहिए, छोड़ के नहीं भागना चाहिए। है? है भगवान की पढ़ाई दो चार दिन पढ़ी और 10-15 दिन घर में बैठ गए तो क्या कहेंगे, धीरज है या खत्म हो गया? है धीरज टूट गया, ठीक बात है ना। हाँ आगे चलो। पावर हाउस कब आओगे? पावर भरनी होगी तभी आ जाएंगे। पावर तो भर रही हूँ, पावर तो भर रही हूँ। पांच छह माताएं सब पांडव बन गए हैं, आपके अर्डर हुए तो फिर लेके चली वहाँ। भट्टी कराने के लिए? अरे अभी भट्टी भी नहीं कराई है, अभी बच्चा भी नहीं बनाया। हाँ और निमंत्रण पहले से कैसे हो? अरे बच्चे ही नहीं बने तो गुरु कहाँ से बन जाएंगे? पहले 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 बाप मिलता है कि पहले गुरु मिल जाता है? तो बाप अभी बच्चे ही नहीं बने। हाँ रास्ता बताओ ना। ले आप फिर ले कहाँ जाएंगे? अरे पैदा कराने के लिए ले जाएंगे। हैं? हाँ तो दाई बन के जल्दी जाओ। और आत्मिक स्थिति में टिकते टिकते परमात्मा स्थिति बना लोगे? फरिश्ताई स्थिति। हाँ वो आत्मिक स्थिति कैसी होती है जिसमें फरिश्ता बन जाते हैं? 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 वो आत्मिक स्थिति कैसी होती है जिसमें फरिश्ता अनुभव होता है? आत्मा को ये अनुभव होता है कि हम फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता कोई भी रखने वाले नहीं हैं। हम फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जो फर्श की दुनिया से परे अर्श की दुनिया में सदैव रहने वाला है उसी से हमारा सारा रिश्ता है। हम उसी का धंधा करते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं करते हैं, ये अनुभव हो तो फरिश्ता। और वो फरिश्ता ही अनुभव तभी होगा जब नष्ट हुआ बने। किससे किससे नष्ट हुआ बने? अपनी देह से नष्ट हुआ बने। क्या पहचान है देह से नष्ट हुआ होने की? अरे देह से नष्ट हुआ होने की कोई पहचान है या नहीं है? कोई पहचान नहीं है। देह से नष्ट हुआ होने की क्या पहचान है? हैं? हाँ कोई पदार्थ नहीं चाहिए। क्या जो पदार्थों से मोह लगा हुआ है ना, ये चाहिए वो चाहिए, कपड़ा चाहिए मकान चाहिए, ये सब चाहिए चाहिए खत्म। जो मिला सो ठीक। अहो प्रभु तेरी बड़ी कृपा है।
ब्राह्मणों के खजाने में कोई चीज की कमी महसूस न हो, है? हाँ। अपने देह से भी कोई लगाव नहीं, बीमारी आ गई ठीक है आ गई, हिसाब किताब पूरा हो रहा है तो भी पुरुषार्थ तो करना ही है कि कोई बीमारी आ जाए तो पुरुषार्थ खत्म, तो भी पुरुषार्थ करना है। मतलब क्लॉक वाइज का ये है कि राइट से लेफ्ट की ओर नहीं जाएंगे, क्या लेफ्ट से राइट की ओर ही चलेगा, जो भी चक्कर है वो ये लेफ्ट ये राइट, आपको सामने से कुछ और देखता हो तो वो समझ लो, तो लेफ्ट से राइट की ओर ही चक्कर लगना वो है चक्कर लगाना। सारी यादगारें कहाँ की हैं? संगम युग में। संगम युग में जब आत्माओं को ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमपिता परमात्मा है, तो हर आत्मा राइटियस की ओर ही बढ़ेगी या उल्टे रास्ते की ओर बढ़ना चाहेगी? भले पूर्व जन्मों के संस्कार उसको उल्टा चला देते हैं, माया उसको उल्टा घुमा देती है, वो बात अलग, लेकिन दिल की इच्छा क्या है? राइटियस ही चलना है तो सब राइटियस ही चलेंगे। इस समय की यादगार है कि इस समय जो भी पुरुषार्थियों में उत्तम पुरुषार्थी हैं, जिसको सब फॉलो करते हैं, बड़े को सब फॉलो करते हैं, छोटों को, बड़ों को, तो जो 8 हैं 9 हैं और 10 हैं या 11 भी होंगे, क्या जो 11 हैं एक मुखिया का चक्कर लगाते हैं, 12-12 के 9 ग्रुप हैं ना, तो वो एक मुखिया का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही अभी तक जितने भी ग्रह उपग्रह संसार में मनुष्यों को प्रत्यक्ष हुए वो कितने थे? 9 थे, अभी नए नए भी निकल पड़े ना, जो पहले पता ही नहीं थे। तो ऐसे ही अब ये सारी सृष्टि में जो भी ग्रह हों या उपग्रह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हों, जो भगवान को पहचान लेती हैं, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लेती हैं, वो उल्टा नहीं चलना चाहती। भले पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, वो संस्कार उल्टा चला देते हैं, लेकिन वो उल्टा चलना नहीं चाहती, तो सीधा ही चल रही है सब। एक हिसाब से सब आगे ही बढ़ रहे हैं, भले देखने में आते हैं क्या टूट गए तो भी ऐसे ही है जैसे कि पहाड़ पे कोई चढ़ता है, बड़े तेज तूफान आ जाता है तो कोई शेल्टर ले लेता है थोड़े समय के लिए, ऐसे ही वो शेल्टर ले रहे हैं, तूफान कम होगा, बुद्धि थोड़ी शांत होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सीधा ही चक्कर लगाना है संगम युग में, हर आत्मा उल्टा चक्कर कोई भी नहीं चलाना चाहती। सब जानते हैं कि हम ईश्वरीय श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, सीधा चलेंगे तो सुख मिलेगा, सुख कौन नहीं चाहता है? ऐसी कोई आत्मा है दुनिया में जो सुख की इच्छुक ना हो, दुख ही दुख चाहती हो? कोई भी नहीं। सब जानते हैं कि सुख शांति मिले,
दुख अशांति तो कोई भी नहीं पसंद करता है। दुख अशांति ये उल्टा चक्कर, सुख शांति ये सीधा चक्कर।